नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एमडीएन इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले पीएम आवास योजना के पैसों को लेकर। भाई बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि आवास योजना का पैसा कब तक आपके बैंक खाते में पहुंचेगा, और बहुत सारे ऐसे सभासद प्रधान वीडियो सिक्रेटरी लोग होते हैं जो आपको चूतिया बनाते हैं कि आपके खाते में पैसा पहुंच गया, जाइए आप अपना बैंक खाता चेक करवाइए, आवास योजना का पैसा आपके खाते में पहुंच चुका है। तो भाई बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, जिस डाउट को मैं क्लियर करूंगा, और कैसे आपको आवास योजना का पैसा चेक करें वो मैं बताऊंगा दोस्तों कि आपके बैंक खाते में आवास योजना का पैसा पहुंचा है कि नहीं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और तभी आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका आवास योजना का पैसा आ रहा है कि नहीं, और आने वाला है भी कि नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो, वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अगर आपको 1% समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको आवास योजना संबंधित हर एक अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा गूगल, गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद दोस्तों सर्च करेंगे पी एम ए वाई, ध्यान से सर्च करेंगे जी, क्या सर्च करेंगे पी एम ए वाई जी, ध्यान से सर्च करिएगा दोस्तों, जैसा मैं लिखा हूँ वैसे ही लिखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी दोस्तों। तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते आइएगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है, F6 FTO ट्रांजेक्शन समरी, इस वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा आपको, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोने में एक कर्सर दिख रहा है, देखिए जहाँ पर एक गोला बना है, इस पे आपको दिख रहा है एक बैक और एक होम, होम वाला देखेंगे जहाँ पर एक तीर बन रहा है, देखिए ध्यान से जहाँ तीर बन रहा है होम लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद देखिए ध्यान से देखेंगे दोस्तों, और आएंगे कुछ ऑप्शन आएगा आपको, ध्यान से देखिए नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, आ जाएंगे दोस्तों एफ वाले सेक्शन में, देखिए यहाँ पर देखिए एफ ई एफ एम एस रिपोर्ट लिखा है, देखिए आपको करना क्या है ध्यान से देखेंगे, और आपको पता करना है दोस्तों पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, आपकी जो भी किस्त पेंडिंग होगी आप लोग ध्यान से कर सकते हैं यहाँ से, बस थोड़ा सा आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना जरूर पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखेंगे 9वें नंबर पर दिख रहा है एफटीओ ट्रांजैक्शन समरी इंस्टॉलमेंट वाइज, इस पर क्लिक करिएगा आप लोग, क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि आपको पैसा कौन सा चेक करना है, देखिए आपको ईयर पहले से सेलेक्ट रहेगा 2022-23 जो चल रहा है दोस्तों, आपको पता है कि 22 का महीना लास्ट चल रहा है, नवंबर के बाद दिसंबर महीना लगेगा, और अंत महीना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये पहले से इसे सेलेक्ट रह दीजिएगा दोस्तों, एक ग्रामीण का चेक कर सकते हैं, और इसी प्रकार आप लोग शहरी आवास योजना का पैसा चेक करना होगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अपना प्रदेश सेलेक्ट करेगा, जो भी आपका प्रदेश होगा पहले नंबर पर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, किस प्रदेश से आप हैं, दूसरे नंबर पर आपका जिला आ जाता है दोस्तों, आप अपना जिला सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जिला होगा ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है आपके दोस्तों ब्लॉक का, आपका जो भी ब्लॉक होगा आप लोग ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन आ गया, ध्यान से देखेंगे, लेकिन अभी कैप्चा कोड नहीं डालना है, आप वीडियो पूरा देखिएगा, मैं पहले भी बताऊँ वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, नीचे आ जाइएगा यहाँ पर पैस पे क्लिक कीजिएगा, आपको करना क्या है एफटीओ ट्रांजेक्शन, आपको करना क्या है दोस्तों, हमको पहले पैसा चेक करना है, नया ऑप्शन लगा कि नहीं तो पहले वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर नीचे स्क्रॉल करते आएंगे थोड़ा सा, और लास्ट में दो ऑप्शन है, देखिए आपको पहली किस्त चेक करनी है, दूसरी किस्त चेक करनी है, तीसरी किस्त चेक करनी है, या फिर चौथी किस्त, चौथी किस्त होती है दोस्तों जो मजदूरों के लिए पैसा भेजा जाता है गवर्नमेंट का, इस पर क्लिक करते हैं, तो पहली किस्त चेक करनी है हमको, जब सब क्लिक कर लेंगे दोस्तों तब आ जाएंगे आप कैप्चा कोड भरने के लिए, 28 और 10 38 हो गया, ध्यान से देख लीजिए 28 और 10 38 हो गया, यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, ध्यान से ना देखिए नीचे पूरा स्क्रॉल करते आइए, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कितने लोगों को, 3 लोगों का पैसा भेजा गया, इस मामले लखनऊ के गोसाईगंज जिले में 3 लोगों का पैसा भेजा गया, ध्यान से देख सकते हैं, देखिए 40-40 हज़ार रुपये की 3 राशियाँ 3 लोगों को खाते में ट्रांसफर कर दी गई है दोस्तों। ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, अगर अभी तक आवास योजना का पैसा नहीं मिल पाया तो, चाहे दोस्तों ग्रामीण आवास योजना हो चाहे शहरी आवास योजना हो, सारी जानकारी में आपको मिलती रहती है इस चैनल पर, तो चैनल से जरूर जुड़ते जाइए, देखिए जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है जैसा यहाँ पर दिख रहा है आपको, उस पर आपको क्लिक करना है, बस आप जुड़ जाएंगे हमारे चैनल से। और भी दोस्तों आपको शहरी आवास योजना का पैसा कैसे चेक करना है इसके बारे में वीडियो जानना है तो वीडियो में बने रहिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि शहरी आवास योजना का पैसा कैसे चेक करना है, लेकिन आप लोग जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं को पहले पता चल पाएगा, नहीं तो और सभी को दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसे लगा, जहाँ 1% आपको समझ में आएगी जानकारी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, धन्यवाद भाइयों।